अज मेनू फोन आया चंद्रमोहन भोलिया जी का भी इतने ना ग्राउंड के बच्चे ईओ साहब आए आ वो ग्राउंड ढाउन डे आई जो इतने पहुंचे हाँ ये ग्राउंड ढा चुके थे। मैं तो जब देखा जी ये गुरु टेस्ट वाले रामलीला ग्राउंड च बड़े आ मैं इन्होंने मगर ही मैं जो देखा जी इन्होंने रामलीला का जरा थोड़ा ढोना शुरू कर दिता। मैं इन्होंने कहा मैं क्या इतने 25 to 30 years हो गए इतने रामलीला होंगी आ प्रभु श्री राम की पूजा होंगी है तो दशहरा मनाया जाता वा उन्होंने रोकने की कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहते कौन राम। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब मैं हाँ तुहाडे नाल सुनील गोगना। जिदा कि देखिया कपूरथला दे विच बहुत पुराने नजायज़ कंबजे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चल रहे सन अज उत्थे दे कपूरथला ईओ ने जिहड़े कब्जे सारे ढाए ने और ये अज जिहड़े कि जिन्ने भी इत्थे एक रामलीला ग्राउंड आ उन्होंने वह भी ढाई आ कहिंदे जी वह भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे। मैं कैमरामैन नूं कहूंगा कि उहदी सिद्धियां तस्वीरां दिखाईआं जाण। वह आपस दे विच जिन्ना कि दोनों पार्टियां दी खूनी झड़प भी हुई है यह हूँ उन्होंने मुद्दा जिहड़ा कि पुछिया जाएगा ये क्यों हुई आ असीं सारियां गलबात करनी चाहांगे। सर जिहड़ा अज इत्थे धरना दिता गया वा किस करके दिता गया? अज मैनू फोन आया चंद्रमोहन भोलिया जी का भी इतने ना ग्राउंड के बच्चे ईओ साहब आए आ वो ग्राउंड ढाउन डे आ जो इतने पहुंचे हाँ ये ग्राउंड ढा चुके थे। असी जो ईओ नूं पुछिया कहिंदा जी सानू भगत मान जी दे उन्हां दे ऑर्डर आ वी जिहड़ियां नजायज़ कब्जे आ ठीक आ जिहड़े दुकानदारां ने कीते आ तुसीं अपना काम करो असीं जिहड़ी ओह ग्राउंड हैगी आ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच आंदी इंक्रोचमेंट दे विच आंदी आ? हाँ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच आंदी आ। ठीक है फिर जिहड़ी आपस खूनी झड़प होई आ क्यों होई? ओह झड़प जिहड़ी हैगी आ जिहड़े कुछ दुकानदार हैगे वीर हैगे आ उन्हां दे जिहड़े दुकानदारियां ने जिहड़ा अगे कब्जे कीते सीगे ओह उन्हां ने ढाए आ ओह कहिंदे इह वी नजायज़ आ। हुण सड़क दे मेन मुद्दा सड़क ते क्यों धरना? साडा मुद्दा सिर्फ इह आ जिहड़ी इन्हां ने साडे धर्म दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ कीता असी उहदी मंग करदे आ इत्थे 30-35 years तों। तुसीं देखिया कि कपूरथला दे विच 20 साल राज राणा गुरजीत सिंह दा रिहा एमएलए कोई अज तक इत्थे कब्जे नहीं ढाए गए और हुण आम आदमी पार्टी दी सरकार जदों बन गई अज पहली वारी इह देखण नूं माहौल बणिया कि इत्थे जिहड़े नजायज़ कब्जे ढाए गए सन जिहड़े कि एमसी साहब भी इधर कमिश्नर साहब बैठे हुए मेरे नाल इधर भी कांग्रेस दे लीडर आ कि कांग्रेस दे लीडरां दे उपर ही क्यों कारवाई असीं इहनां कोल पुछदे आ। पहलों तां स्वागत आ जी स्काई नूं। पहला तो मैं तुहाडा स्काई न्यूज़ का धन्यवाद करदा। पहला तो गुगना जी तुहानूं मैं दसां रामलीला ग्राउंड दे विच राम जी दा एक जिथे राम दा नाटक दा मंचन हुंदा वा उहदी स्टेज नूं तोड़ना नजायज़ कब्जा नहीं किया जा सकदा। पहला तो आपके शब्द सारे जिहड़े वापस नजायज़ कब्जा वा इहनूं वापस लिया जाए ते जिहड़े मूर्ख ईओ ने मैं मूर्ख गल कहूंगा क्योंकि धार्मिक भावां दा हनन करना लोगों दीआं धार्मिक भावनावां नूं भड़काना लोगों दी धार्मिक भावनावां नूं आहत करना यह कित्थों दा कानून आ? यह कैड़ी सरकार इदां दी आ गई आ जिहड़ी लोगों दी धार्मिक भावनावां नूं तोड़दी आ जिहड़ी आस्था खत्म कर रही आ? यह 295 ए दा परचा यह सारी कमेटी जिहड़ी है ईओ दे समेत इन्हां दे 295 ए दा परचा दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए नहीं तो समूह हिंदू जथेबंदियां इत्थे इकट्ठियां होणगीआं ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ। ਭਾਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਢਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੜਾ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਗੋਗਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਆਂ ਔਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 30-35 years ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 25 to 30 years ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰਾਮ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰਾਮ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਜੀ
मैं इन्होंने रोकने की कोशिश की, मैनू फड़ के इधर लिया, मेरे कलाश मोटर वालों के नाल मुंडे तीन चार लगे, उन्होंने फड़ के मेरे सट्टा भी मारिया जी। चलो असं होर भी जी कि गलबात सर कपूरथला के जो एम सी आ वो भी जुड़ चुके हैं, जो अब इंप्रूवमेंट से नजायज कब्जे ढाए गए, मेन मुद्दा हुण की हो गया जो कि रोड के उपर धरना देना पै। मेन मुद्दा तो सर यह आ जी, असं इन्हों पूरा कोऑपरेट किया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, इन्होंने सानू जबानी गुलामी कहा सीगा भी आ जो नजायज कब्जे आ चुका दिओ, असं इन्हां दे नाल हो गए। आप दुकानदारा ने किसी भी बंदे ने किंतु परंतु नहीं किया, सारे कब्जे अपने आप चुकाए, कुछ इन्होंने ढाए भी, असी कोई दखलदाजी नहीं की। पर स्टेटमेंट हाँ जी स्टेटमेंट कोई दिखी, हाँ जी असी इन्हों कहा साडे नाल जिहड़े कि अपने अपने नगर कारपोरेशन दे साडे नाल नगर कारपोरेशन दे जिहड़े अपने कमिश्नर भी जुड़ चुके ने नगर कारपोरेशन, सर की कहना चाहूंगा जी की गल होगी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट? असं तो यह कहना चाहते कि बहुत माड़ा काम होया जो शहर हो सोचने वाली गल आ कि इनिया सरकार आई हैं कभी भी किसी ने इस पास वाल ध्यान दिता कि अपना जिदा गलत काम इदा का कोई नहीं कर सकता अच्छे जिदा कि गलत काम करन दे इन तो गिरया हुआ कोई बंदा नहीं। आप दसना चाहेंगे तुम कि एक राम महाराज जी की स्टेज ढोना कि पाप का काम आ, तुम आप जाने दसो गोगना जी काम वधिया है पर अज तक हूँ जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जो नजायज कब्जे जो ढाए गए आपस जी खूनी झड़प हुई है, खूनी झड़प का की कारण हो? खूनी झड़प साढ़े आने तो पहला हुई है, सानू तो साढ़े एम सी साहब ने दसा कि साढ़े इतने स्टेज हार दी गई है, राम महाराज साहब इतने बेअदबी की गई है, इस करके इसे जल्द तो जल्द पहुंचो। साढ़े अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासभा के प्रधान साढ़े अनिल शुक्ला जी भी साढ़े नाल आए हैं। देखो कपूरथला के अज जो कि 20 साल 21 साल बाद जो कि इंप्रूवमेंट से नजायज कब्जे ढाए गए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि उन्होंने गलबात की गई, वो कहते सू सीएम भगवंत मान की जी की लैटर आई, सू इत कार्रवाई कोई ना करनी, पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी इन्होंने भी गलबात करनी चाहेंगे सर की कहना? मैंने तो हमने किसी का फोन आया कि इदा जी धार्मिक स्टेज बनी हुई है उन्होंने ढा दिता गया वा कि अपने ये नहीं हूँ पता लगा इतों कहीं कारपोरेशन वाले ने ढाया वा कोई कहना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने ढाया वा उस बारे मैं पता कर रहा धरना लगा वा तो मेरी हमने चेयरमैन गल हुई है सू इस बारे कोई नहीं पता है कुछ पता लगा जी खूनी झड़प का कारण कही जी ने। तो दोस्तों जो साड़ी टीम जो इतने पहुंची स्काई न्यूज उन्होंने ये कहना कि सू कुछ नहीं पता लगा जो सवेरे जे कि नजायज कब्जे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो पीला पंजा चलिया और उन्होंने जे कब्जे ढाए उन्होंने यह भी कहना कि सू दो तीन दिन आकर पहलों भी दसया गया पर कोई इतने किसी ने सुन जो ईओ ने गलबात की उन्होंने भी यह कहना मैं इतने जाके कले कले कह के आया कि किसी ने कोई कार्रवाई हार के मैंने मजबूरन कार्रवाई ही करनी पई हूँ आपस के एक इतने रामलीला ग्राउंड भी हैगी जी उन्होंने हूँ इतों खूनी झड़प शुरू आपस के सारे लड़ पे आपस दो तरह कि वह कहना साड़ी रामलीला बहुत पुरानी इतने हो रही है इस करके खूनी झड़प हुई है। तुम सीधी तस्वीर कपूरथला तो दिखाई कैमरामैन रूबी धामी सुनील गोगना स्काई न्यूज़ पंजाब कपूरथला।